जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर में पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर जन सरोकार आयोजित करने जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्वयं रैली को कामयाब बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की सभाओं को ले रहे हैं और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस विषय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को राय से विधायक एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री मोहन लाल बडोली के निवास पर सोनीपत पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर भी बोलते हुए कहा कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की कुंडली सिंघू बॉर्डर पर आखिरी बैठक है, जिसमें कोई नतीजा जरूर निकलेगा। हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान जिन पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन पर सकारात्मक रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान जो मौत हुई है, उस विषय पर भी सरकार विचार अवश्य करेगी। बहुत बड़ी रैली जो है जींद में होने वाली है, तो क्या कहना चाहते हैं? झज्जर में पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता मिलकर बना रहे, और जिस प्रकार से नया संगठन दोबारा बनाया गया है, उसके बाद पहली एक बड़ी औपचारिक बैठक इसको बनाई, और पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में झज्जर की पावन धरा पर 9 तारीख को पहुंचे। सर, जिस तरह से अब किसान आंदोलन जो है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून वापस भी ले लिए, सब हो गया अच्छे से, अभी भी किसान घर वापसी की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं, कुछ मांगे मांग रहे, क्या कहना चाहते हैं? देखते, कल इनकी आखिरी बैठक है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि कल कुछ नतीजा निकलेगा जो सबके पक्ष में होगा, केस वापस लेने के भी और सरकारों के भी। जहाँ तक मुकदमों की बात है, पॉजिटिवली हमने भी विचार किया है, और मैंने तो पहले भी कहा था कि नॉन लीथल एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्व था तो जरूर मिलकर चर्चा करें, उन लोगों को इसमें राहत दें, और अगर किसी की कैजुअल्टी हरियाणा प्रदेश की हुई है तो जरूर उस पर भी विचार करेंगे कि उसको कैसे मदद। अभी कह रहे हैं सरकार की तरफ से चिट्ठी नहीं आई, जब भी मीटिंग करते इस तरह की बात कर देते हैं, तो केंद्र का और संगठनों के बीच की चर्चा है, प्रदेश सरकार से चिट्ठी चाहिए तो अभी भिजवा दे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।